माचिस की डिब्बी की माप, एक माचिस की डिब्बी है उसकी माप के लिए उसकी लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें एक डिब्बी का माप दे रखा है और कितने डिब्बियों का निकालना है, 12 डिब्बियों का। तो सबसे पहले एक डिब्बी का आयतन, एक डिब्बी का आयतन, एक डिब्बी का आयतन, डिब्बी कैसी है, कनाच जैसी। एक डिब्बी का आयतन हो गया एल इंटू बी इंटू एच। एक डिब्बी का आयतन एल इंटू बी इंटू एच, एल कितना है 4, बी कितना है 2.5, एच कितना है 1.5। पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, 5 से काटे 25, 5 × 10, 5 × 3 = 15, 5 × 10, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 1, 2, 2 × 6, थोड़े दो दो कट गए, अब बच गए 5 × 3, 15 cm³। क्योंकि घनाभ का आयतन होता है, आयतन की इकाई होती है क्यूब, घन या क्यूब। अब एक डिग्री का है, एक डिग्री का हमें कितने डिग्री का पूछ रहा है, 12 डिग्रिया का, 12 डिग्रियों का आयतन, 12 डिग्रियों का आयतन, एक डिग्री का 15 है तो 12 का क्या देगा, 12 × 15। देखिए 15 × 3 असल लगी 3, 15 × 15, 15 × 3, 18, 180 cm³, 180 cm³। ये है आपके 12 डिब्बियों का आयतन, 12 डिब्बियों का आयतन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये इकाई लगाना जरूरी है सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका, एक घनाभा का पानी की टंकी, क्या कह रहा है, टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई ऊंचाई 4.5 मीटर। गहरी हो तो इसमें कितने लीटर पानी, 5 लीटर पानी, यानी टंकी का आयतन, जितनी टंकी होगी उसमें उतने पानी भरा जाएगा, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। टंकी कैसी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका मतलब टंकी कैसी है, घनाभ। तो घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल एच है, बी है 5, एच है 4.5। दशमलव हटाया 10, 5 × 45, 5 × 10, 2 × 2, 2 × 6, बच गया 3 × 5 × 9, 5 × 9, 3 × 5, 5 × 3 = 15 × 9, 9 × 5 = 45, असल लगी 4, 9 × 9, 9 × 4 = 13, कितना आया 135 m³, 135 m³। लेकिन हमें पता है टंकी की धारिता लीटर में होती है, पानी किस में भरा जाता है, लीटर में, तो 1 m³ बराबर 1 m³ बराबर होता है 1000 लीटर। याद रखें 1 m³ बराबर होता है 1000 लीटर। अपने पास कितना मीटर क्यूब है, 135, कितना है 135 m³। 1 m³ होता है 1000 लीटर के बराबर, तो 135 कितना हो जाएगा, 135 × 1000। एक का दिया हुआ नदी का पूछे तो गुणा करते हैं तो ये हो गए 135,000 लीटर, 135,000 लीटर। तो उस टंकी में कितना पानी आएगा, 1035 लीटर पानी आएगा, उस टंकी में पानी भरा जा सकता है। तो देखिए टंकी का आयतन एल इंटू बी इंटू एच 135 आया, और प्रश्न में दे रखा है कि 1 m³ बराबर 1000 लीटर होता है, तो हमारे पास कितना मीटर क्यूब है, 135, तो 135 को 1000 से क्या, 135,000 लीटर पानी टंकी में भरा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 3 कह रहा है आपका, एक घनाभाकार बर्तन,
बी बराबर 8 मीटर और उसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि देखिए एच कितना ऊंचा बनाया हमें ज्ञात नहीं है कि उसमें 810 वर्ग मीटर द्रव भरा जा सके। आयतन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? आयतन वर्ग मीटर इकाई दे रखी है। कितनी होती है? क्या होती है? वर्ग मीटर किसकी होती है? आयतन की। वर्ग मीटर द्रव यानी मीटर क्यूब द्रव भरा जा सकता है। आयतन दे रखा है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब किसका घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगाए। देखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच। आयतन कितना दे रखा है? 308 बराबर एल कितना है? 10। बी कितना है? 8। एच हमें ज्ञात करना है, एच हमें ज्ञात करना है। क्यों ना इसको नीचे लिया है, 308 बट्टा 10 इंटू 8 बराबर एच। 8 का भाग 3/24। देखिए कितने बचे? 6। 8×64 कितना है? 4। भाग नहीं जा रहा है, चलो भाग में तो काट दो, 2 के फावड़े से काट दे। 2×6 8, 2×6 8, 2×1 2, 2×5 10, 2×6 8। वापस 2 से काटे, 2, 7×14, 7×14, 7×14। अब क्या है? 77/20। देखिए 77 में 2 का भाग दें, 8 बार, 8×16 कितने बचे? 1। उतारा 0, कितनी बार गया? 5। तो आ रहा है देखो 38.5/10, ये बच रहा है 38.5/10। एक संख्या और नीचे 0 पड़ा है तो ये बन गया 3.85 मीटर। एच कितना आ गया? 3.85 मीटर। ये है आपका एच। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। देखिए एल बराबर 8, लंबा चौड़ा कितना है? 6 मीटर और ऊंचा है 3 मीटर। एक घनाभाकार गड्ढा खोदने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से। देखिए मीटर क्यूब किसकी इकाई? आयतन की। किसकी इकाई होती है? आयतन। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? आयतन। तो देखो गड्ढे का आयतन, गड्ढा कैसा है? घनाभाकार, घनाभ जैसा गड्ढा है, एल इंटू बी इंटू एच, 8×6×3, तीनों विमाएं दे रखी है, 8×6 48×3, 8×24 वजन के 2, 3×6 12, 12×2 14 मीटर क्यूब, 144 मीटर क्यूब। देखिए एक मीटर क्यूब पर कितना रुपया लग रहा है? तो प्रश्न में कह रहा है 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से। देखिए एक मीटर क्यूब का कितना लग रहा है? 30 रुपये। कितना लग रहा है? एक मीटर क्यूब पर वह कितना हो रहा है? 30 रुपये। तो हमारे पास कितना मीटर क्यूब पड़ा है? 144। हमें मालूम है जब एक का दिया हुआ हो अधिक का पूछे तो क्या करते हैं? गुणा। एक का कितना दे रखा है? 30। किसका पूछा? 144 का। 144×30 रुपये। देखिए 0 का 0 3×6 12 हासिल का 1, 3×6 12 13 हासिल का 1, 3×1=3 और 1=4 मतलब कितने रुपए खर्च होगा? 4,320 रुपये खर्च होंगे, 4,320 रुपये। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5
सारी नदी का आयतन, सारी का मतलब क्या होता है आयतन, कितना दे रखा है, एक टंकी की धारिता दे रखा है आपको 5000 लीटर, 5000 लीटर। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई L बराबर 2.5 मीटर और गहराई B दे रखा 10 मीटर है, तो उसकी क्या निकालनी है, ऊंचाई, क्या निकालनी है, ऊंचाई। देखिए हमें आयतन दे रखा है, वही फॉर्मूला आयतन बराबर L इंटू B इंटू H, आयतन कितना दे रखा है 5000 लीटर, 5000 लीटर। Yeah.